तो आज प्रश्नावली 3.6 प्रश्न नंबर एक का सातवां से शुरू करेंगे, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर एक एक का सातवां, तो इसमें लिखा है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4। इसी प्रकार ये लिखा है 15/x + y -5/x - y बराबर -2, ठीक ना। तो इसमें देखिए 1/x + y लिखा है, यहाँ भी x प्लस वाई है, 1/x - y, तो यहाँ भी 1/x - y। इसमें लिखेंगे माना 1/x + y बराबर u एवं 1/x - y बराबर v, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 10u + 2v बराबर 4। तो ये समीकरण एक हो गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा 15u - 5v बराबर -2, समीकरण दो प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें इनके गुणांकों को बराबर करना है, ठीक ना। तो u के चाहे गुणांक को बराबर करिए, चाहे v के गुणांक को बराबर करिए, ठीक ना। तो हम इसके अगर u के गुणांक को बराबर करेंगे तो 15 है तो यहाँ 15 गुणा करेंगे, और यहाँ 10 है तो 10 गुणा करेंगे। अगर v के गुणांक को बराबर करना हो तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 गुणा कर लेंगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 गुणा करेंगे। तो देखिए v वाले में थोड़ा छोटी संख्याओं का गुणा करना है, तो हम इसी को गुणा कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण एक में, देखिए 5 है तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 गुणा करेंगे, ठीक ना। हम v के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं। तो समीकरण एक में 5 से एवं समीकरण दो में 2 से गुणा करने पर देखिए 5 का गुणा इन तीनों पदों में होगा, तो 10 × 50u + 5 × 10v बराबर 5 × 20, समीकरण 3 प्राप्त हुआ। फिर 15 × 30u - 5 × 10v बराबर 2 × 4, समीकरण ये 4 प्राप्त हो गया। अब देखिए ये +10 है और -10 है, ठीक ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 0 आ जाएगा, ठीक ना, तो इसलिए कट जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको जोड़ने पर, ठीक ना। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को जोड़ेंगे, तो ये हो गया जोड़ने पर। अब जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये हो गया, ये कट गया, 10v में से -10v कैंसिल, ये 50 और 30, ये 80u बराबर 20 में से 4 गया 16, ये आया 16u बराबर 16/80, 16 × 1 = 16×5 = 80। तो इस प्रकार u का मान 1/5 प्राप्त हो गया। अब देखिए u u का मान समीकरण एक में रख देंगे तो v का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं समीकरण, लिखेंगे u का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक ये रहा, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 10u + 2v बराबर 4। अब u का मान 1/5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 × 1/5 + 2v बराबर 4। तो ये हो गया 5 × 1 = 5 × 10, तो मतलब ये 2 × 1 = 2, 2 प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो लिखेंगे 2 + 2v बराबर 4, तो 2v बराबर 4, और 2 इधर पक्षांतर कर देंगे तो 4 - 2 हो गया, तो 2v बराबर 4 में 2 गया 2, तो v का मान 2/2, ठीक ना, 2 पक्षांतर कर दिया, तो 2 एक कम 2 एक कम, इस प्रकार v का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ।
ठीक ना, और u और v दोनों का मान प्राप्त हो गया तो हम इसमें रख लेंगे। तो लिखते हैं अब देखिए, एक बटे x प्लस वाई बराबर u और एक बटे x माइनस वाई बराबर v है, ठीक ना। तो इसमें मान रख देते हैं एक बटे x प्लस वाई बराबर u का मान एक बटे पाँच है, एक बटे पाँच। इसी प्रकार एक बटे x माइनस वाई बराबर v का मान एक है, इस प्रकार एक बटे एक लिख सकते हैं। अब पलट दीजिए इसको तो जाएगा x प्लस वाई बराबर पाँच और ये जाएगा x माइनस वाई बराबर एक। देखिए ये दो चरों में फिर समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो इसको फिर हल करेंगे, विलोपन विधि लगा लेंगे तो इसमें x और y का मान पुनः ज्ञात हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर चार तक हो गया, इसको पाँच डाल लेते हैं और इसको समीकरण छः डाल लेते हैं, ठीक ना। तो अब इन दोनों समीकरण में इनको हल करेंगे विलोपन विधि से। तो देखिए आप दोनों समीकरण को एक साथ यहां लिख लेते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर पाँच, समीकरण पाँच हो गया, और x माइनस वाई बराबर एक, समीकरण छः हो गया। अब इस समीकरण को चाहे जोड़ लिए तो y कैंसिल हो जाएगा, और अगर घटाएं पाँच में से छः घटाएं तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको फिर लिख लेते हैं जोड़ने पर, तो y का मान कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। इस प्रकार y में से माइनस वाई कैंसिल हो गया तो ये आया 2x बराबर पाँच में एक छः, और दो पक्षांतर कर देंगे तो ये जाएगा x बराबर छः बटे दो, तो दो एक कम दो तिहाई छः। इस प्रकार x का मान तीन प्राप्त हो गया। अब x का मान समीकरण पाँच में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण पाँच में रखने पर, तो पाँच पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर पाँच, x का मान तीन है, y बराबर पाँच, तो y का मान आ गया पाँच माइनस तीन, तीन पक्षांतर कर दिए तो y का मान पाँच में से तीन गया दो। इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हो गया, x बराबर तीन और y बराबर दो। अब प्रश्न एक का आठवां भाग देखते हैं, ठीक ना, ये अंतिम भाग है। ये लिखा है एक बटे थ्री एक्स प्लस वाई प्लस एक बटे थ्री एक्स माइनस वाई बराबर तीन बटे चार, और यहाँ लिखा है एक बटे दो गुणे थ्री एक्स प्लस फोर है माइनस एक बटे दो गुणे थ्री एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक बटे आठ। तो इसमें देखिए ये रहा एक बटे, ये सेम चीज लिखा हुआ यहाँ, और ये वाला भी यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसको u और इसको v मानेंगे। लिखेंगे माना एक बटे थ्री एक्स प्लस वाई बराबर u एवं एक बटे थ्री एक्स माइनस वाई बराबर v। तो देखिए u और v मानने पर ये पूरा पद u है और ये v है, तो इस प्रकार ये प्राप्त हो गया u प्लस v बराबर तीन बटे चार। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसके बटे एक कर लेंगे और तिरिय गुणा कर लेंगे इसका, तो जब इसका गुणा चार का इन दोनों पदों में गुणा होगा तो लिखेंगे चार u प्लस चार v बराबर तीन एक कम तीन। इस प्रकार पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए ये पूरा पद ये u है और ये पूरा v है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं u बटे दो माइनस v बटे, देखिए दो है तो दो लिख लेंगे, बराबर माइनस एक बटे आठ। तो इसको हल कर लेंगे, देखिए सेम हर है तो लिखेंगे लघुत्तम का दो ही हो जाएगा और ये हो जाएगा u माइनस v। जब हर सेम होता है उसको एक बार लिख कर ऊपर का जो भी चीज़ होता है उसको यहाँ लिख दिया जाता है,
बराबर माइनस एक बटे आठ। अब देखिए इसमें ये इसका पहले तीन गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं आठ का, आठ u माइनस वी बराबर दो एकम दो। अब देखिए दो एकम दो चौके आठ कट जाएगा, ठीक ना, तो ये हो गया दो एकम और दो चौके आठ। अब जो बचा चार उसका अंदर गुणा करेंगे, तो चार गुणा u में करेंगे तो चार u माइनस चार वी बराबर माइनस एक। इस प्रकार समीकरण दो प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे, देखिए 4u और यहाँ भी 4u है, ठीक ना, तो सीधे घटाने पर लिखेंगे तो घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ समीकरण लिख लेते हैं, तो ये लिखा है 4u प्लस 4v बराबर 3, समीकरण एक। और ये लिखा है 4u माइनस 4v बराबर माइनस एक, समीकरण दो। अगर मैं जोड़ने पर करूं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और अगर घटाने पर करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार घटाने पर करके देखते हैं, देखिए लिखते हैं घटाने पर, तो घटाने पर देखिए तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। इस प्रकार अब चार यू में चार यू कैंसिल, तो ये कटेगा आप, और ये चार प्लस चार, तो चार चार आठ हो गया, ये बराबर तीन प्लस वन फोर, ठीक ना, माइनस वन नहीं वो प्लस वन हो गया। तो वी का मान आया चार बटे आठ, है ना, चार एकम चार, चार दूनी आठ। इस प्रकार वी का मान एक बटे दो प्राप्त हुआ। इस वी के मान को समीकरण एक में रख देंगे तो यू का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं वी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे तो देखिए पहला समीकरण लिख लेते हैं 4u प्लस 4v बराबर 3, ठीक ना, ये लिखा हुआ है। अब इसमें v के स्थान पर एक बट्टे दो रख देते हैं, तो देखिए यहाँ एक बट्टे दो रख दिया, अब हो गया 4u प्लस दो एकम दो, दो दूनी चार, इस प्रकार दो एकम ये दो प्राप्त हुआ बराबर 3। तो ये हो गया 4u बराबर 3 माइनस 2, पक्षांतर कर दिए, 4u बराबर 1, तो इस प्रकार u बराबर 1 बटे 4 प्राप्त हो गया। तो u और v का मान ज्ञात हो गया, अब जो माने हैं हम लोग उस पर रख लेंगे, ठीक ना, तो यहीं से इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये जो माना हुआ है इसको अब यहीं शुरू करेंगे, इसके नीचे यहाँ शुरू करेंगे, तो लिखते हैं अब ये हो गया 1 बटे 3x प्लस y बराबर u का मान 1 बटे 4 है, और v का मान यहाँ रख देंगे तो v का मान कितना है 1 बटे 2, इनको उलट देंगे तो क्या जाएगा 3x प्लस y बराबर 4, तो इसको समीकरण 3 डाल लेते हैं, और इसको उल्टेंगे तो ये आएगा 3x माइनस वाई बराबर दो, एक बटे दो का दो आ जाएगा, तो समीकरण ये 4 हो गया। अब देखिए अगर हम जोड़ दें इसको तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, तो लिखते हैं जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये y में से y गया, कट गया ये, तीन तीन 6x बराबर 4 दो 6, इस प्रकार x बराबर 6 बटे 6, 6 कम 6 x बराबर 1। अब इस x के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए 3 में रख देंगे 3x प्लस y बराबर 4, 3 गुणे 1 प्लस y बराबर 4, तो हो गया 3 प्लस y बराबर 4, तो देखिए y बराबर 4 माइनस 3, तो ये आ गया y बराबर 1 आ गया, ठीक ना, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक ना, इसके उत्तर आ गए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए,
और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर दो का पहला, इसमें लिखा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें लिखा है, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर धारा की दिशा में, मतलब नदी जिस दिशा में बह रही है अगर उसी दिशा में चल तैरे, तो वो अगर कम थोड़ा मेहनत करे तब भी धारा की चाल के कारण वो ज़्यादा तेज़ी से दूरी तय कर लेगा, ठीक ना। और अगर विपरीत दिशा में धारा अगर आगे की तरफ जा रही है और वो विपरीत दिशा की तरफ तैर रहा है, तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक ना, क्योंकि वो धारा की चाल को कम करते हुए, ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, इसी प्रकार अगर धारा की दिशा के विपरीत अगर तैरें तो व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को माइनस किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो भी कंडीशन दिया है उसको देखिए लिखते हैं। तो सबसे पहले बोला स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, और धारा की चाल बराबर ये हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रश्नानुसार देखते हैं, या पहली शर्त के अनुसार तो देखिए पहली बार क्या लिखा है, धारा के अनुकूल तैरा गया है, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, ठीक ना। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, ये दोनों चाल प्लस हो जाएगी, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल धारा के अनुकूल में जुड़ जाएगी, ठीक ना, धारा के अनुकूल चाल ये प्राप्त हुई। अब देखिए इसमें ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक ना। तो चाल इसमें देखिए इस कंडीशन में चाल कितना प्राप्त हुआ हमको, x प्लस वाई बराबर, देखिए इसमें बोला है अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं, तो दूरी कितना दिया है 20 और समय कितना दिया है 2 घंटे, ठीक ना। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 दहम, इस प्रकार पहला समीकरण प्राप्त हो गया x प्लस वाई बराबर 10, इसको पहला समीकरण डाल लेंगे। अब देखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार देखिए धारा के प्रतिकूल, ठीक ना, या तो ऋतु की चाल लिखिए या तैरने की चाल लिखिए, ठीक ना। तो लिखेंगे तैरने की चाल, या कोई व्यक्ति अगर तैर रहा है तो उसकी चाल हो जाएगी। तो देखिए अब प्रतिकूल में है तो व्यक्ति की चाल मतलब ऋतु की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें देखिए यही फॉर्मूला लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक ना। तो इसमें चाल क्या प्राप्त हुआ है, x माइनस वाई बराबर, अब दूरी कितना है 2 घंटे में 4 किलोमीटर देखिए तैर पाया है, तो ये 4/2, दूरी 4, समय 2 घंटा लगा, इस प्रकार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये रहा x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों समीकरण को हल करते हैं, तो लिखेंगे
दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण एक प्राप्त हुआ। फिर इसको लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण दो है। अगर इनको जोड़ दें तो y का मान कैंसिल हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं जोड़ने पर, ठीक ना, तो ये कैंसिल हो गया, y में से y गया, जीरो हो गया। x और x 2x बराबर 10 दो 12, x बराबर 12 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, तो x का मान 6 प्राप्त हुआ। अब x का मान समीकरण एक में रख देते हैं, तो लिखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ 6 रख देते हैं तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे y बराबर 10 माइनस 6, तो 10 में से 6 गया 4। देखिए x और y का मान ज्ञात हो गया, तो लिख लेते हैं यहीं पर अंत में। अतः स्थिर जल में चाल, स्थिर है ये, स्थिर जल में चाल में तैरने की चाल, ये x है तो x क्या आया 6, तो लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं धारा की चाल, धारा की चाल हो जाएगी y है तो y है 4, लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। इस पर प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं, देखिए दूसरा भाग देखते हैं। इसमें इसमें लिखा है दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर दो महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ काम करें तो ये किसी काम को 4 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो लिखा है ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ठीक ना। फिर इसके बाद लिखा है पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक ना। तो पहले अलग अलग ज्ञात करना है कि एक अगर केवल एक महिला को अगर दे दिया जाए ये काम, तो ये इसी काम को करने में कुल कितने दिन लग जाएंगे। इसी प्रकार अगर एक अकेले पुरुष को दे दिया जाए इसी कार्य को करने के लिए तो कितना समय लगेगा। तो लिखते हैं माना एक अकेली महिला को किसी काम को करने में लगा समय बराबर x दिन ले लिए, ठीक ना। एवं अगर अब पुरुष के बारे में लिख लेते हैं, तो लिखते हैं एक अकेले पुरुष पुरुष को किसी काम को करने में लगा समय, इसको मान लिया इसको y दिन लगेगा, ठीक ना। किसी काम को वही सेम उसी काम को करने में, ठीक ना, किसी काम को हो गया। अब देखिए इसमें अगर इसको एक अकेली महिला कुल x दिन में काम करती है, तो एक महिला अगर देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी काम को अगर एक पुरुष है एक महिला, मान लेते हैं पहले महिला 4 दिन में लगाती है काम करने में, ठीक ना किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर देगी, तो अगर हम पूछें कि यार 2 दिन में कितना काम करेगी, 2 दिन में किया गया कार्य
कार, मतलब इस भाग इस काम का कितना भाग करेगी, तो चार दिन में ख़त्म कर रही है तो दो दिन में आधा करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बटे चार, ठीक ना, कुल दिन और दो दिन का दो बटे चार, इस प्रकार ये आधा काम करेगी, ठीक ना। इसी प्रकार अगर एक दिन में पूछा जाए तो एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में कितना काम करेगी, तो जगह एक बटे चार, है ना, किसी काम का एक चौथाई काम करेगी, ठीक ना, तो एक दिन में एक चौथाई। तो देखिए अगर इसी प्रकार किसी काम को एक महिला अगर यक्ष दिन में करेगी, यक्ष दिन में करेगी तो एक दिन में कितना करेगी, तो जगह एक बटे एक्स, ठीक ना, एक दिन में एक एक बटे एक्स भाग काम का कर लेगी। तो लिखेंगे एक दिन में एक अकेली महिला द्वारा, अकेली महिला द्वारा किसी काम का, या सीधे लिखिए द्वारा किया गया, किया गया काम कितना हो जाएगा, एक बटे एक्स, ठीक ना, एक बटे एक्स किसी काम का इतना भाग ये कर लेगी। फिर इसी प्रकार एक दिन में एक अकेले पुरुष द्वारा किया गया कार्य, किया गया काम, तो इसका हो जाएगा वाई दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में एक बटे वाई काम करेगा, ठीक ना। अब ये दोनों लोग अब इसको देखते हैं, तो इसमें लिखते हैं प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक दो महिला, ठीक ना, तो एक महिला अकेली इतना काम करेगी तो एक दिन में, ठीक ना, तो दो महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, तो एक बटे दो गुणे एक्स हो जाएगा, तो दो गुणे एक बटे एक्स प्लस पांच पुरुष हैं, एक दिन में एक पुरुष एक बटे वाई काम करता है तो पांच पुरुष एक बटे पाँच गुणे एक बटे वाई काम करेंगे, बराबर ये दोनों का कुल मिलाकर चार दिन में कर रहे थे तो एक दिन में कितना भाग करेंगे, तो एक बटे चार हो गया। दो महिलाएं और पांच पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, एक बटे चार, क्योंकि ये दोनों दो महिलाएं और पांच पुरुष मिलकर किसी काम को चार दिन में खत्म करते थे, तो दोनों का एक दिन में काम कितना करेंगे दोनों मिलकर, तो एक बटे चार भाग किसी काम का पूरा कर लेंगे। तो ये हो गया दो बटे एक्स प्लस पाँच बटे वाई बराबर एक बटे चार, ठीक ना। इसी प्रकार आगे देखिए लिखा है यदि तीन महिलाएं, ठीक ना, तो तीन महिलाएं और छह पुरुष इसको तीन दिन में पूरा करते हैं, तो इसमें तीन महिलाएं कितना करेंगे एक दिन में, तो तीन बटे एक्स काम करेंगे एक दिन में, और छह पुरुष कितना करेंगे, तो छः बटे वाई काम एक दिन में करेंगे। इसी प्रकार अगर तीन दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में ये लोग एक बटे तीन भाग पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन गया। अब इसमें मानते हैं, माना देखिए एक बटे एक्स है, एक बटे एक्स बराबर यू एवं एक बटे वाई बराबर वी मान लेते हैं, तो इस प्रकार ये समीकरण बन जाएगा टू यू प्लस फाइव वी बराबर एक बटे चार। तो तिरे गुणा करेंगे इसका, ये बटे किया, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये जाएगा चार दुनी आठ यू प्लस चार पंचे बीस बराबर एक, तो ये हो गया समीकरण एक प्राप्त हुआ। अब इस वाले में देखिए इसमें रखते हैं, तो ये हो गया थ्री यू प्लस सिक्स वी बराबर एक बटे तीन। अब इसका भी तिरे गुणा कर लेंगे तो तीन का इन दोनों पदों में गुणा हो जाएगा, तो होगा तीन त्रिकाई नौ, तीन छक अठारह बराबर एक, तो हो गया समीकरण दो प्राप्त हुआ। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हल करना है, पहला समीकरण ये रहा आठ और ये, ठीक ना, दूसरा समीकरण यहाँ वी छूट गया है,
ठीक ना। तो दोनों समीकरण को देखिए एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर, इसे पता चल जाएगा कि इसमें कितना गुणा करना है। तो पहला समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, 8u प्लस 20v बराबर 1, और ये लिखा है 9u प्लस 18v बराबर 1, समीकरण 2 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें अगर u के गुणांक को बराबर करना हो तो 8 है तो इसमें 8 गुणा करेंगे, और यहाँ 9 है तो पहले समीकरण में 9 गुणा करते हैं। तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 9 से एवं समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, ठीक ना। तो 8 से देखिए क्या करता है, इसे 9 है तो यहाँ 9 गुणा करेंगे और यहाँ 8 गुणा करेंगे, तो 9 गुणा करेंगे तो तीनों पद में 9 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 × 9 = 72u प्लस 180v बराबर 9 × 9। तो ये हो गया समीकरण 3, और फिर 8 × 9 = 72u और 18 × 8 = 144v बराबर 8 × 8, समीकरण ये 4 प्राप्त हुआ। अगर मैं समीकरण 3 में से 4 घटा दें तो v का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं घटाने पर, देखिए घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो 72 में 72 कैंसिल हो गया। अब 180 में 144 घटा लेते हैं तो जाएगा 36v बराबर 9 में 8 गया तो 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब v बराबर 1/36 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो v का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो u का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, देखिए तो v लिखते हैं, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए एक समीकरण ये रखा है, यही लिख लेते हैं। एट यू प्लस 20v बराबर 1, और इसमें v का मान 1/36 रखेंगे तो 8u प्लस 20 × 1/36 बराबर 1, इसको कट जाएगा तो काट लेंगे, 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, तो होगा 8u प्लस 5/9 बराबर 1। तो 5/9 को पक्षांतर कर देंगे तो जगह 1 − 5/9, इसका लघुत्तम लेंगे तो 9 × 9 − 5/9, 8u बराबर 9 में 5 गया 4/9, इस 8 को भी नीचे पक्षांतर कर लेते हैं तो होगा 4/9 × 8, इस प्रकार 4 × 4 = 8, तो हो गया 9 × 2 = 18, तो u और v का मान आ गया। अब जिसको माने थे उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये रखा है, अब 1/x बराबर u था और 1/y बराबर v था, तो यहाँ पर रखते हैं मान, तो x बराबर u का मान कितना आया है 1/18, तो यहाँ 1/18 लिखते हैं, और 1/y बराबर v का मान कितना है 1/36, तो दोनों को उलट देंगे तो हो जाएगा x बराबर 18 और y बराबर 36। देखिए x और y का मान ज्ञात हुआ। इस प्रकार देखिए ये अकेली महिला के द्वारा किसी काम को किया गया समय लगा समय कितना 18 दिन, और एक पुरुष को अगर अकेला उस काम को करता है तो कुल 36 दिन इसको लग जाए। अतः इसी कार्य को एक अकेली महिला द्वारा करने में लगा समय बराबर 18 दिन एवं एक अकेले पुरुष
द्वारा करने में, ये हो गया द्वारा हो जाएगा, द्वारा करने में लगा समय बराबर 36 दिन। ठीक है ना, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दो का दूसरा भाग हो गया। एक अंतिम भाग है उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दो का तीसरा भाग, इसमें लिखा हुआ है रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस के द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसको हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ये रहा इसकी कुछ दूरी है, देखिए कुल दूरी कितनी दे रखा है, 300 किलोमीटर। ठीक ना, तो इसमें सबसे पहले रूही क्या करिए, देखिए कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय करी है और कुछ दूरी बस के द्वारा तय की है। देखिए पहले कंडीशन में क्या है, 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करी, तो ये हो गया 60 किलोमीटर। ठीक ना, और ये रेलगाड़ी से तय किया, और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी, तो 300 में 60 हटा देंगे तो 240 किलोमीटर बचेगा, और ये बस के द्वारा तय किया गया है। ठीक ना, तो इन दोनों के द्वारा, जब दोनों को कितना समय लगा, रेलगाड़ी के द्वारा और बस के द्वारा, तो कुल समय कितना लग गया इसको, 4 घंटे लगे, तो हम लिख लेते हैं 4 घंटे। ठीक ना, अब देखिए दूसरा कंडीशन में लिखा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तय कर दिया इसने, तो ये रहा 100 किलोमीटर ये रेलगाड़ी के द्वारा। ठीक ना, और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी बची, तो 300 में अगर 100 किलोमीटर तय कर ही लिया तो ये बचा 200 किलोमीटर, ये बस के द्वारा तय किया। तो देखिए अब बोला है कि इसमें 4 घंटा और 10 मिनट अधिक लग गया, इसका मतलब ये 4 घंटा 10 मिनट है, ये 4 घंटा 10 मिनट। ठीक ना, इसको इतना समय लग गया। अब देखिए ये घंटा और मिनट, घंटे और मिनट में है, इसको एक ही इकाई में बदल लें तो घंटे में बदल लेते हैं। देखिए 4 और इसको 10 को क्या करेंगे, 10/60 करेंगे। ठीक ना, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है इसलिए इसको घंटे में इस प्रकार बदलेंगे, तो जरा ये कटा ये कटा, तो इस प्रकार देखिए 4 सही 1/6 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये संयुक्त भिन्न में आ गया, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 6 चौक 24 1 25, तो ये हो गया 25/6 घंटे। ठीक ना, तो ये भी घंटे में बदल गया। अब इसको देखिए जो पूछा उसको मान ज्ञात करते हैं। देखिए लिखिए माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो इसको लिखते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा एवं बस की चाल, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, तो अब इसमें प्रश्नानुसार करते हैं। देखिए प्रश्नानुसार, देखिए पहली बार बोलता है कि रेलगाड़ी से इतना दूरी तय किया गया है। ठीक ना, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक सूत्र लिख लेते हैं। देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे ये चाल होता है। ठीक ना, तो देखिए सबसे अगर दूरी, अगर समय किसी चीज़ में निकालना हो तो दी गई दूरी को उसके चाल से अगर भाग कर दें तो समय ज्ञात हो जाता है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर 60 किलोमीटर चला और रेलगाड़ी से चला, और रेलगाड़ी की चाल हमने कितना माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, और इसको y किलोमीटर प्रति घंटा लिया है, तो अगर इस दूरी को चाल से भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी के द्वारा कितना समय लगा। तो इसको लिखते हैं, देखिए दूरी कितनी है 60/, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है x प्लस, अब देखिए इतना समय लग गया इसको, अब बस के द्वारा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी कितना है 240/, और चाल कितनी थी y, तो बस के द्वारा इतना समय और रेलगाड़ी के द्वारा इतना समय, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 घंटा आ जाएगा। ठीक ना,
तो इस तरह ये पहला बना लिया। अब देखिए दूसरा कंडीशन में दिया हुआ है कि अब रेलगाड़ी के द्वारा 100 किलोमीटर तय किया, तो ये इसमें भी फिर दूसरे कंडीशन में देखेंगे दोनों में कितना समय लगा। तो पहले रेलगाड़ी में दूरी कितना तय किया, 100 बटे कितनी चाल है इसकी, रेलगाड़ी की एक्स चाल है, प्लस अब ये 200 है तो बस के द्वारा 200 चली गई दूरी और इसकी चाल कितनी है, ये एक्स है तो ये वाई है, ठीक ना, वाई किलोमीटर, तो ये वाई बराबर। अब देखिए समय कितना आया, 25/6 लिख लेते हैं, ये 6 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो 1/x बराबर u ले लेंगे और 1/y बराबर v ले लेंगे। तो देखिए लिखते हैं, माना 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v। इस प्रकार देखिए क्या समीकरण बनेगा, तो इसको लिख लेते हैं, 60u प्लस 240v बराबर ये 4 प्राप्त हुआ। अब देखिए समीकरण एक हो गया मगर इसमें 4 4 4 उभयनिष्ठ है, ठीक ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए इसको हम 4 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो इस प्रकार आएगा, ये देखिए 4 बाहर निकाल ले रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, 15, ठीक ना, 15 चौके 60, तो ये 15 बचा प्लस ये 4 6 24 भी बराबर ये 4 हुआ। तो ये चार कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एकम 4 एकम, तो इस प्रकार क्या समीकरण प्राप्त हुआ, 15u प्लस 60v बराबर 1, समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब इससे देखिए बनाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 100u प्लस 200v बराबर 25/6, तो 25/6 हो गया। अब इसका तिरे गुणा कर लेंगे, 6 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे तिरे गुणा इसे, इसका उड़ा इसमें और इसका उड़ा इसमें, तो 6 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600u प्लस ये हो जाएगा 6 × 12 v बराबर 25, ठीक ना। तो इसमें देखिए 25 25 उभय निश्चित ले लेंगे तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 25 ले लेते हैं तो 25 यहाँ से भी कैंसिल हो जाता, हम यहीं से ले लेते हैं। देखिए 25 बाहर लिया तो देखिए यहाँ क्या बचा, इसको ले सकते हैं, देखिए 25 × 50 25 चौके 100, मतलब इसको हम 25 से भाग दे दे रहे हैं, ठीक ना। ये देखिए 60 को अगर मैं 25 से भाग दे दूँ तो 25 × 50 ये 10 और ये 0, 25 चौके 100, तो जो यह बच गया 25, ये 24 यहाँ लिख लिया, ठीक ना। अब इसमें 25 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका हो गया 25 चौके 100 और 20 बच गया, 20 बगल में गया तो 200 हो गया, तो 25 × 8 = 200 बराबर 25, या इसको 1200 को 25 से भाग दे लीजिए, ठीक ना, 1200 25, तो ये 25 चौके 100 हो गया, ये 2 और 0 ये 200 आ गया, तो 25 चौके 100 25 × 8 = 200, ठीक ना। तो इस प्रकार 25 अगर बाहर आ गया तो 600 में यहाँ 24 बचेगा और 1200 से अगर बाहर 25 कॉमन लेंगे तो 48 प्राप्त हुआ। अब देखिए 25 और 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25 एकम, इस प्रकार 24u प्लस 48v बराबर 1, समीकरण 2 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो u और v का मान ज्ञात हो जाएगा, तो इसको करते हैं। तो देखिए दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 15u प्लस 60v बराबर 1, समीकरण 1, और ये हो गया 24u प्लस 48v बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए u के गुणांक को बराबर करेंगे तो 24 गुणा इसमें करेंगे और 15 गुणा इसमें करेंगे, तो इसको कर लेते हैं, यहाँ 24 गुणा करेंगे और यहाँ 15 गुणा कर लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में 24 से एवं समीकरण 2 में 15 से गुणा करने पर, ठीक ना, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 24 पंचे 120 हासिल 12
24 एकम 24, 24 12 36 हो गया, U प्लस 24 छक्के 144 0, V बराबर 24 एकम 24, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब 15 गुणा इसमें करेंगे तो 15 और 24 देखिए यही सेम चीज आएगा, देखिए 15 दूनी 30 तें 45 चौके 60, हासिल 6, 15 दूनी 30 और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36, तो 360, इस प्रकार 15 अट्ठे 120, हासिल 12, 15 दूनी 30 तें 45 चौके 60, 60 ये 60 हो गया और उसमें हासिल 12 जोड़ लेंगे तो 60 70 72, तो ये हो गया 720 V बराबर 15 एकम 15, समीकरण 4 प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब इसको घटाने पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 1440 में 720 घटाएंगे, देखिए डबल होता है इसका, तो इसमें से इसको 720 घटाएंगे तो 720 ही प्राप्त हो जाएगा, बराबर 24 में 15 गया तो 5 5 4 9 9 आ गया ये, ठीक ना। तो V बराबर 9/720, 8 9 1 9 8 72, तो V बराबर 1/80 प्राप्त हुआ। इस V का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो U का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं V का मान समीकरण 1 में रखने पर, इनमें से 1 2 3 4 किसी में भी रख देंगे तब भी मान प्राप्त हो जाएगा, तो लिखेंगे 15, पहले समीकरण ही लिख लेते हैं पूरा, बराबर 1, तो V का मान रख लेते हैं यहाँ पर 60 गुणे V का मान 1/80 बराबर 1, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 4 8, तो ये आया 15U प्लस 3/4 बराबर 1, तो इसको उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं, अब इसका काम नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए 15U प्लस 3/4 बराबर 1, ये हो गया 15U बराबर 1 - 3/4, 15U बराबर 4 × 4, ठीक ना, 4 - 3/4, तो 15U बराबर 4 में से 3 गया 1/4, तो देखिए इसका तिरक गुणा कर लीजिए या इसको 15 को भी इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 15 हो गया, इस प्रकार U का मान कितना आया 1/15 × 60। अब देखिए क्या माने थे इसमें, अब 1/x बराबर U एवं 1/y बराबर V माने थे, इस प्रकार 1/x बराबर U का मान कितना आया 1/60 प्राप्त हुआ, और V का मान कितना आया है इसको यहाँ लिख देंगे तो V का मान 101/80 है, तो इस प्रकार X का मान कितना आ गया 60 और Y का मान 80, ठीक ना। देखिए X को रेलगाड़ी की चाल माने थे तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, धन्यवाद।